नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूरज की तेज तपिश और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया, लेकिन आईएमडी की ओर से उत्तराखंड पूर्वानुमान में अलर्ट जारी किया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री सहित चार धाम यात्रा रूट पर भी मौसम पर चेतावनी है। मौसम अलर्ट के बाद दिल्ली, NCR, UP, MP, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की जाती है कि चारधाम यात्रा रूट पर जाने से पहले मौसम अपडेट जरूर लें। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। बता दें, मौसम निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि मॉनसून केरल में प्रवेश कर चुका है। उत्तराखंड में जून अंत तक मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। इसके साथ आपको बता दें, उत्तराखंड में 10 से 12 जून तक कई इलाकों में ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो दूसरी ओर देहरादून में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। देहरादून में तापमान 38 के पार 38.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे ज़्यादा तापमान है। पूरे दिन लोग गर्म हवाओं से बचने के लिए मुंह और हाथों समेत सिर पर कपड़ा रखे दिखाई दिए। लोगों ने AC और कूलरों का सहारा लिया। मौसम विभाग के मुताबिक पंतनगर का पारा 38, मुक्तेश्वर का 26 और नई टिहरी का 28.4 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में शनिवार में से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 से 13 तक अंधड़ और बारिश की संभावना पूरे प्रदेश में जताई गई है। इसके अलावा आकाशीय बिजली भी चमक सकती है। फिलहाल मौसम के अपडेट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।